लेकिन इससे पहले एक और आदमी थे विलियम राइश करके, जिन्होंने क्लेम किया था कि अमेरिका में उन्होंने एक क्लाउड बस्टर मशीन बना ली है। ये कहते थे कि ये ऑर्गन एनर्जी का इस्तेमाल करके, कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके ये एटमॉस्फेयर को मैनिपुलेट कर सकते थे और बारिश ला सकते थे। इन्होंने अपनी रिसर्च का नाम दिया कॉस्मिक ऑर्गन इंजीनियरिंग। लेकिन जैसा आप गेस कर ही सकते हो, ये उस टाइप के लोगों में से थे जो फ्रॉड चीजें क्लेम करते थे। इनकी मशीन बिल्कुल काम नहीं करी और ये बस क्रेडिट लेने का एक तरीका था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डॉक्टर शेफर के अलावा एक और साइंटिस्ट थे जो क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। साइंटिस्ट डॉक्टर बेरहार्ड फॉन गुड, इनका आइडिया था कि मैं ये नहीं चाहता कि ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए जिससे चीजें ठंडी बने और फिर जाकर यहाँ पर क्लाउड सीडिंग हो। मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर लिया जाए जिससे ये प्रोसेस पूरा किया जा सके। इनका आइडिया पानी की कंडेंसेशन प्रॉपर्टी पर आधारित था, एक ऐसी चीज जो शायद आप जानते ना हो। बात क्या है दोस्तों, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है